सिंध में बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बायस लाखों इंसान इस वक्त दरबदरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिंध सरकार की जानिब से दरबदर अफराद के लिए महदूद पैमाने पर रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है, लेकिन गैर सरकारी इदारे भी इस काम में मसरूफ अमल हैं। बारिशों की वजह से मुतासिर होने वाले अफराद की रिहाइश के लिए वैसे तो कई शहरों में टेंट सिटी कायम किए गए हैं, ताहम उमरकोट में सिंध की तारीख का सबसे बड़ा टेंट सिटी कायम हुआ है, जहां 2500 टेंट लगाकर 2500 खानदानों की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। इस टेंट सिटी की निगरानी एमपीए राणा हमीर सिंह कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि टेंट सिटी में सेहत मरकज, वेटनरी क्लिनिक, पुलिस और रेंजर्स चेक पोस्ट कायम करके टेंट सिटी के मकीनों को 15 दिन का राशन और तैयार शुदा खाना भी फराहम किया जा रहा है। देखा जाए तो मुतासरीन को आरजी रिहाइश की तो अशद ज़रूरत है, मगर ये भी ज़रूरी है कि इलाकों से पानी का अखराज मुमकिन बनाया जाए, ताकि मुतासरा लोग अपने इलाकों में मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार कर सकें।